तो आज हम बात करेंगे टी शर्ट्स के बारे में। अब आप एक हाफ टी शर्ट डालता हूँ या फुल टी शर्ट डालता हूँ, अगर ठंड हो ज्यादा हुई तो इनर, फिर इसको हम कहाँ थे, टी शर्ट्स की तरफ। अब टी शर्ट जो होता है, टी शर्ट का मटेरियल देख लिए क्या, कैसे लगे देख लिए क्या, और ये थोड़ा हाईनेक टाइप में भी है, अभी तो विंटर चल रही है। तो आज हम बात करेंगे टी शर्ट्स के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ठंड में टी शर्ट्स पहना रहा है, पागल तो नहीं हो गया? अरे ब्रो, ठंड लास्ट चल रही है। अब इस टाइम मंथ चल रहा है फरवरी का, तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो लमसम 16 to 17 फरवरी के आसपास वीडियो अपलोड होगी। तो मार्च तो टी शर्ट्स पहनने का मौसम आ जाएगा, और मोस्टली इन मौसम में आप टी शर्ट लेयर कर सकते हो, लाइक शर्ट के साथ, जैकेट के साथ, जैकेट मोस्टली लेदर और बॉम्बर, डेनम मेरा फेवरेट ब्लेजर। मैं जब भी शादी वगैरह में जाता हूँ, मैं ब्लेजर के साथ टी शर्ट ही कैरी करना पसंद करता हूँ, चाहे कितनी भी ठंड हो। एक नीचे इनर, उसके ऊपर टी शर्ट, बेसिक टी शर्ट लाइक वाइट डाली, ब्लैक डाली, रेड डाली, लाइट ब्लू, मतलब कोई इतने कलर जो इजी टू वेयर हो हर चीज़ के साथ, और बेसिक, उस पर कुछ छपना ये नहीं, ये नहीं ब्रांड वैंड, कुछ कुछ नहीं उस पर, एकदम प्लेन टी शर्ट जैसे मैंने पहन की ना, इस टाइप में की। एक हाफ टी शर्ट डालता हूँ या फुल टी शर्ट डालता हूँ, अगर ठंड हो ज़्यादा हुई तो इनर, फिर उसके ऊपर ब्लेजर, और उसके नीचे डेनम या ट्राउजर, फिर लोफर्स। तो उसमें क्या है ना, एकदम क्लासी सब लगता है और इजी टू कैरी होता है। अपन हर जगह शादी में जाते हो, मान लो शादी में जा रहे हो तो आप हर जगह सूट पहन के नहीं आ सकते, क्योंकि सूट कांच सकता है, आपका दोस्त है, खास दोस्त है या दोस्त का भाई है उसकी शादी में, मतलब एक फैमिली फंक्शन टाइप में आप सूट पहन सकते हो। अब हर जगह आप रणवीर कपूर बनकर जान सकते हैं, तो आपका भाई है, आपको बताएगा आप कैसे कैसे कपड़े पहनो, मैंने मतलब मैं बताऊंगा, बाकी स्टाइल आप अपने हिसाब से करो, ठीक है? तो हम कहाँ थे, टी शर्ट्स की तरफ। अब टी शर्ट जो होता है, टी शर्ट का मटेरियल जो इतना कंफर्टेबल होता है और एक रिलैक्स होता है, और दूसरा जब वो हम बॉडी पे डालते हैं तो उसका एक जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपकी मस्कुलरिटी दिखाता है, और आपकी एक तो सबसे मेन चीज टी शर्ट में मिल सकता है वो एज गैप कर देता है तुम्हारी। वो सपोज करो आप जब भी टी शर्ट डालते हो, या आपने खुद भी नोटिस करा होगा, जब आप टी शर्ट डालते हो तो आपको अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं, लाइक भाई आज लग रहा है बंदा, ठीक है? आपको खुद ही फील होता है, क्योंकि जब आप टी शर्ट डालते हो आपकी एज एक कम हो जाती है, आप टीनेजर टाइप में खुद ही लगते हो, तो इसलिए मुझे टी शर्ट्स बहुत पसंद है। अब मैं जो तुमने मैंने आपको बताई है कि मैं अपना ब्लेजर कैसे कैरी करता हूँ, तो उस टाइप में आप भी जाओ। तो हम बात करने वाले थे, किस चीज़ के बारे में बात करने वाले थे, देखते देखते भूल गए, चलो मैं बताता हूँ। तो इतना आप मेरे टी शर्ट के कैरी करने के स्टाइल देखो, जिसमें मैं कैसे कैसे कैरी करता हूँ, ठीक है? देख लिए कैसे लगे, कमेंट करना। तो अब हम बात करेंगे टी शर्ट्स के टाइप की। टी शर्ट 3 टाइप के होते हैं, एक तो होता है फुल स्लीव, फिर आता है हाफ स्लीव, एक आता है कट स्लीव, जो मतलब लाइक बनियान हो गया, या मोस्टली हम जिम में या फिर मतलब किसी चीज़ के साथ लेयरिंग के लिए कैरी करते हैं। फिर आती है टी शर्ट की मटेरियल की बात। टी शर्ट जो यूज़ करते हैं हम लाइक्रा में यूज़ करते हैं स्ट्रेचेबल, फिर एक यूज़ करते हैं हम कॉटन में, एक यूज़ करते हैं हम कॉटन मिक्स, और एक आता है जिम टाइप में जिसे हम बोलते हैं शायद नायलॉन। तो अब मोस्टली मैंने देखा लोग क्या काम करते हैं, नायलॉन मटेरियल मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है? कॉटन की जो टी शर्ट्स होती हैं वो जिम में पहन घूम रहे हैं, और जो मिक्स होता है वो किसी चीज़ के नीचे लेयर कर ली। तो ब्रो ब्रो ब्रो, जहाँ जो चीज़ पहननी चाहिए आप वहाँ क्यों नहीं पहनते? जिम में आपको पहननी चाहिए जिम वाली टी शर्ट, जो नायलॉन की होती हैं, स्वेट वाली टी शर्ट रहती हैं भाई, वो आपके स्वेट एब्जॉर्ब करती हैं। अब आप जिम पहन के कॉटन टी शर्ट है ना, फिर बोलते हो उसमें पसीना आ गया, अच्छी स्मेल मारता, भाई मारे गए यार, वो जो चीज़ जिसके लिए नहीं बनी आप वो पहनते क्यों? तो कहाँ की चीज़ कहाँ मत लेके जाओ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉटन की टी शर्ट जो पहनो आप डेली यूज में पहनो, फिर जो मिक्स आती है वो भी डेली यूज में पहन सकते हो, बट हाँ जिम में मत पहन के जाओ। और लेयरिंग के लिए सबसे बेस्ट टी शर्ट होती है तुम्हारी कॉटन की टी शर्ट, और जब भी आप टी शर्ट लो तो एकदम प्लेन और सिंपल लो। कभी कभार हाँ कोई टी शर्ट अच्छी लग रही है, सब प्रिंट है तो ले लो, अच्छी लगती है। और मैं रिकमेंड करूँगा मोस्टली अगर आपकी बॉडी स्लिम है, या मतलब आप बॉडी बिल्डर टाइप में हो, तो हाफ लो, फुल आप ज़्यादा भी लेना, मतलब फुल लो, लेकिन फुल का साइज़ एकदम थोड़ा बड़ा लो आप, जैसे मेरा आता है, ठीक है? मेरे एम आता है, मैंने एल ले रखा है,
तो ये मेरे शरीर में ज़्यादा चिपक भी नहीं रहा और वैसे भी लग रहा, तो इसलिए मैंने ये कैरी कर दिया, मुझे अच्छी लग रहा है। और ये थोड़ा हाईनेक टाइप में भी है, अभी तो विंटर चल रही है इसलिए मैंने भी डाल रखा है। और दूसरा मेरा फेवरेट कलर जो है ब्लैक वाइट रेड ब्लू। क्या सोच रहे हो फेवरेट कलर एक होता सिंचारा बता दिए, अपनी अपनी चॉइस क्या बोल सकते। तो इतना मैंने बता दिया आपको, तो अब आप क्या करना है वो आपको पता है, लाइक कमेंट फॉलो ये तो मैं बोलने जरा क्योंकि मुझे पता है आप करोगे। हाँ बट ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको आप चाहते हो कि भाई बी क्लासी, क्या बोला बी क्लासी, तो नारिश को फॉलो कर। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपनी रेगुलर पोस्ट डालता रहता हूँ जिसमें मैं स्टाइलिंग करता हूँ, मतलब स्टाइलिंग से मेरा मतलब वो नहीं है इन्फ्लुएंसर वाली, मैं स्टाइलिंग करता हूँ लाइक मैं बेसिक आउटफिट के फोटो खींच खींच के डालता हूँ, मैं रोज़ क्या पहनता हूँ, तो उससे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और मैं अपना थोड़ा बहुत शॉपिंग का भी डालता रहता हूँ कि मतलब मैंने कहाँ से क्या चीज़ ली है। और आप चाहते हो कि आपको बजट में शूज़ टी शर्ट्स या जीन्स या किसी चीज़ की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बना के दूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।